ये है अटलांटिक ओशियन का सबसे व्यस्ततम रूट जो धीरे धीरे चौक हो रहा है। ये जो हजारों शिप्स लाइन में खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, ताकि वह इस छोटे से ड्राई पार्ट को क्रॉस करके अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में जा सके। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है लगभग 80 किलोमीटर लंबा है, जिसे दुनिया में पनामा कैनल के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया का 6 से 7% का ट्रेड इसी कैनल से होके गुजरता है। अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करने का यही सबसे छोटा और सुगम रास्ता है। अगर यह कैनल नहीं होता तो पैसिफिक ओशियन में जाने के लिए पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पार करके जाना पड़ता। पनामा कैनल से पर ईयर 15 से 16 हजार कार्गो शिप गुजरती हैं। मगर यह कैनल इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इंजीनियरिंग के इस नयाब और अत्याधुनिक स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यह कैनल बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस प्रॉब्लम की जड़ को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 150 साल पीछे फ्रांस में, जहाँ फर्डिनेंड नाम का एक व्यक्ति रहता था। फर्डिनेंड जिसने 1669 ईस्वी में स्वेज कैनाल बनाया था, जिसकी वजह से लाल सागर और भूमध्य सागर आपस में कनेक्ट हो गए थे। इस नहर के बनने से पहले एशिया और मिडिल ईस्ट से आने वाले जहाज़ों को पूरा अफ्रीका घूमकर यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता था। इस कैनल के बनने के बाद दुनिया के ट्रेड में एक नई क्रांति सी आ गई थी। इसी तर्ज पर फर्डिनेंड ने दक्षिण अमेरिका में स्थित इस पॉइंट पर कैनल बनाकर अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से सीधा जोड़ देना चाहता था, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से चलने वाली जहाज़ों को पूरा अमेरिका घूमकर साउथ अमेरिका होकर ईस्टर्न अमेरिका तक जाना पड़ता था, जो लगभग 20,000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बराबर था, जिसको छोटा करने के लिए अमेरिका द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि इधर पनामा में एक आर्टिफिशियल कैनल बनाया जाए, जिससे समुद्री जहाज को आसानी से पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक और अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में लाया जा सके। और यह काम सौंपा गया फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड को लगता था कि यह काम वह आसानी से पूरा कर लेगा, लेकिन उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। फर्डिनेंड को लगता था कि वह इस 80 किलोमीटर लंबे हिस्से को डायनामाइट के विस्फोट कराकर इसके रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ों को तोड़ देगा, लेकिन यह एरिया काफ़ी खतरनाक और अनस्टेबल था। यहाँ लंबे लंबे पहाड़ और तेज बारिश के कारण यहाँ काम करने वाले मजदूरों को मच्छर काटने से मृत्यु होने लगी थी। घने जंगलों और पहाड़ों से गुजरने के कारण यह सारा एरिया लैंडस्लाइड्स के भयंकर चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 1,000 से ज़्यादा वर्करों की मृत्यु हो गई। इसीलिए पनामा कैनल को वर्ल्ड डेडलीस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को 8 साल काम करने के बाद आधा अधूरा छोड़ दिया गया। इसके बाद 1903 ईस्वी में अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से अलग कर एक अलग आज़ाद देश बनवा दिया, और इसके बदले में अमेरिका ने कैनाल की सारी ज़मीन 100 साल की लीज पर ले ली। इसके तुरंत बाद 1904 ईस्वी में अमेरिकन इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। इस बार अमेरिकन इंजीनियर्स ने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया। उन्होंने इस पूरी ज़मीन को हटाने के बजाय इसके ऊपरी एरिया को थोड़ा सा काट देते और उसके पानी भर देते थे, और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर लॉक के जरिए पानी भरकर जहाज़ चढ़ाते और उतार देते। इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट की वजह से जहाज़ को एक ओशियन से दूसरे ओशियन में आसानी से पहुंचा दिया जाता। हजारों वर्कर की कठिन परिश्रम और 15 साल के हार्ड वर्क के बाद दुनिया में विशाल कैनल बनकर तैयार हो गई। इसके अलावा इस कैनल के बगल में 2 आर्टिफिशियल लेक का निर्माण भी किया गया, जिससे कैनल में पानी की कमी होने पर इसी आर्टिफिशियल के पानी का यूज करके कैनल में भरा जाता, जिसकी वजह से यह नहर का फंक्शन प्रॉपर रूप से काम कर पाता था। लेकिन पिछले 2 साल से पनामा लगातार सूखे का सामना कर रहा है और इन लेक का पानी घटता ही चला जा रहा है। असल में इन्हीं दोनों लेकों का पानी कैनल में आता है। इसी पानी का यूज करके शिप को ऊपर और नीचे करके कैनल को पार कराया जाता है। जब तक पनामा में बारिश हो रही थी तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2016 से लगातार कम हो रही बारिश ने लेक के वाटर लेवल को इतना नीचे कर दिया है कि एक साथ कई शिप का गुजरना मुश्किल हो गया है। इसे देखते हुए पनामा ने कार्गो रिस्ट्रिक्शन लगाकर यहाँ से डेली गुजरने वाली जहाज़ों की संख्या 32 कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पनामा कैनल के करीब अटलांटिक ओशियन में हजारों जहाज़ों की लाइन लग गई, जो अब बढ़ती ही जा रही है।